बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में भले ही महागठबंधन बहुमत के पास आकर रुक गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी मुख्यमंत्री बनने की आस नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि राजद नेता इसके लिए एनडीए के दो छोटे घटक दलों से संपर्क में है। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजद ने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक राजद को अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन पार्टी का कहना है कि हमारे रास्ते खुले रहेंगे। राजद सूत्र ने कहा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और पार्टी उन्हें ये पद दे सकती है। मालूम हो कि महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें मिली हैं। वही आपको बता दें कि इस धड़े को सरकार में बनाने के लिए 12 और विधायकों की जरूरत है। तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों दलों के साथ आने के बाद अगर ओवैसी की AIMIM को अपने साथ कर लेती है तो उनके पास बहुमत के लायक आवश्यक संख्या बल पूरा हो जाएगा। बता दें आपको कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे। तो आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस बार सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार गए, तो वहीं जीतन राम मांझी को पार्टी को 4 सीटों पर ही जीत मिली है। तो राजद के सूत्रों के मुताबिक प्रयास करने में हर्ज क्या है, अगर वीआईपी और हम हमारे पास आते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है जो एनडीए उन्हें दे सकता है।